नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं एक्सेल के अंदर फ्रीज कैसे कर सकते हैं। दोस्तों जब हम एक्सेल के अंदर डाटा एंट्री करते हैं या कोई कंटेंट तैयार करते हैं तो हम उस स्क्रॉल बार से दिख करते हैं तो ऊपर की जो हेडिंग होती है वो हाइड हो जाती है। अब हम इसकी हेडिंग देखना चाहें कि इस हेडिंग में क्या है, इसमें क्या है, तो हमें नहीं समझ में आती। बार बार हम स्क्रॉल को ऊपर करते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है, तो हम इस कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज करने से ये होगा, जब भी हम स्क्रॉल करेंगे नीचे तो ये हेडिंग फ्रीज हो जाएगी और स्क्रॉल करने पर आपका कंटेंट स्क्रॉल होगा लेकिन ये हेडिंग बिल्कुल वैसी की वैसी रहेगी। तो वो कैसे करते हैं रो एंड कॉलम में जानने के लिए इस वीडियो कंटिन्यू शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। दोस्तों फ्रीज करने के लिए हम यहाँ पर पहली नंबर वाली रो को सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमको व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पर फ्रीज पर क्लिक कर देना है। फ्रीज पर क्लिक करते ही आपका ये रो फ्रीज हो जाएगी, ये फ्रीज नहीं होगी आपकी ऊपर वाली हो जाएगी। अब स्क्रॉल करेंगे तो देखिए दोस्तों, आप स्क्रॉल कितना भी करेंगे तो आपकी ये हेडिंग हाइड नहीं हो रही। तो इससे आपको बेनिफिट ये है कि आप काम करते चलेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको कैटेगरी दिखते चलेंगी, ठीक है। तो बहुत से यूज़र को प्रॉब्लम आती है तो वो वर्क करते हैं तो लिस्ट बड़ी हो जाती है। बड़ी होने के बाद दोस्तों वो बार बार ऊपर जाके चेक करते हैं तो ये प्रॉब्लम है, ये यूज़र एक्सपीरियंस ठीक नहीं है, है ना। तो आपको फ्रीज करना चाहिए क्योंकि एक्सेल में हज़ारों एंट्रियाँ होती हैं, तो कहाँ तक आप बार बार स्क्रॉल करके ऊपर नीचे करोगे। हमने यहाँ पर रो आपको फ्रीज करना बता दी। अगर आपको कॉलम फ्रीज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, सिंपल से आपको जाना है और यहाँ पर आपको फर्स्ट कॉलम पर क्लिक करते हैं। जैसे करेंगे फर्स्ट कॉलम वाला यहाँ पर फ्रीज होगा। देखिए हम यहाँ पर जाते हैं, देखिए फर्स्ट कॉलम यहाँ पर फ्रीज हो गया, ठीक है। अब दोस्तों आपको पर्टिकुलर किसी को फ्रीज करना है ये एरिए को तो वो भी कर सकते हैं। मैं इसको अनफ्रीज कर देता हूँ पहले, फिर जाता हूँ मुझे किसको करना है, इसको करना है फ्रीज और मैं जाता हूँ यहाँ पर फ्रीज पेन, ठीक है। एंड फिर जाते हैं हम, तो देखिए इतने एरिए में ये फ्रीज हो चुका है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये हाइड हो गया। तो आप रो कॉलम एंड पर्टिकुलर एरिए में फ्रीज कर सकते हो और ये फंक्शन बहुत यूज़फुल है एक्सेल के अंदर। और हम जब भी कंटेंट टाइप करेंगे तो आप फ्रीज लगा कर ही कंटेंट टाइप करें, ठीक है। इससे हाइट की प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको स्क्रॉल बार को ज़्यादा घुमाने की ज़रूरत नहीं। आई होप आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। फ्रेंड थैंक्स एंड बाय बाय।